कोरोना इफेक्ट, कोरोना काल में बदला, कॉलेजों की फीस स्कॉलरशिप का रूप अब स्टूडेंट्स को मिलेगी, कोरोना स्कॉलरशिप क्या पूरी इन्फॉर्मेशन, कोरोना वायरस के सम्मान में यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं कोरोना स्कॉलरशिप ऑफर, देश के कॉलेज अगस्त से ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, महामारी के दौरान फ्रंट लाइन में काम कर रहे वर्कर्स, वर्कर्स का यूँ तो कोई कई तरह सम्मान किया जाता है लेकिन अब संक्रमण के दौरान उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए कोरोना वायरस के बच्चों को कई यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। पहले जहां आर्थिक, जाति और रैंक के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाती थी, वहीं अब कोरोना स्कॉलरशिप की एक नई कैटेगरी बन गई है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ स्कॉलरशिप के बारे में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने स्कॉलरशिप ऑफर किया है। नंबर एक, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कोरोना वायरस सहित उनके बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ओर से सहायता देने की घोषणा की गई है। उसके तहत देश के डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल्स स्टाफ, सफाईकर्मी, राज्यों के पुलिस कर्मचारी, पैरामेडिकल, पैरामिलिट्री स्टाफ, मीडिया और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के बच्चों को 5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी रकम है ये 5 करोड़। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत यूनिवर्सिटीज़ प्रस्तावित अभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में 10% सीटें कोविड-19 वायरस के बच्चों को रिजर्व कर रखी हैं और फीस में 100% छूट के हकदार होंगे। जबकि दूसरे नंबर पर आती है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ यानी LPU ने भी संकट काल में डटे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोविड-19 फ्रंटलाइन स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। इसके तहत कोरोना वायरस या उनके बच्चों के लिए शैक्षणिक साल 2020-21 के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि देने का ऐलान किया गया है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए अब न्यूनतम पात्रता को घटाकर 70% कर दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स 10वीं या 12वीं बोर्ड के आधार पर स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। जबकि तीसरे नंबर आती है रमा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कानपुर की रमा यूनिवर्सिटी ने भी कोरोना वायरस और उनके बच्चों की वित्तीय सहायता देने के मकसद से कोरोना वायरस स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत कोरोना वायरस और उनके बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा कुछ स्टूडेंट्स उठा पाएंगे, इसलिए उस स्कीम का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। जबकि चौथे नंबर पर आती है महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय। जयपुर की महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय ने कोरोना साइबर जो हमारी ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं उनके बच्चों के लिए 2 करोड़ की स्पेशल स्कॉलरशिप कोरोना से जंग शिक्षा के संग के नाम से देने की घोषणा की। इसके तहत डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल्स स्टाफ, हाउसकीपिंग, पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, मीडियाकर्मी, सैनिटेशन वर्कर के साथ संक्रमित होने वालों में कोरोना सर्वाइवर और जान गंवा चुके लोगों के बच्चों को स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन में 10% सीटों पर रिजर्वेशन और कोर्स के दौरान फीस में भी 10-50% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जबकि आगे बात करें तो UGC ICT ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। क्या दिशा निर्देश? वहीं इससे पहले UGC और ICTE ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से मिले इस शिकायत के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को लेटर लिखकर मौजूदा हालात को देखते हुए स्थिति सामान्य होने तक ट्यूशन शुल्क, जो ट्यूशन फीस थी, परीक्षा शुल्क और आदि का कोई अल्टरनेटिव ऑफर या बाद में फीस जमा करने की रियायत देने को कहा था। इसके अलावा कई स्कूलों में राज्य सरकार कोरोना के मद्देनजर फीस न लेने का निर्देश भी दे चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ फीस माफ़ करवाएंगी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। और अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो आपको ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।